ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना है, ये आइकन दिख रहा है कैमरा जैसा, क्लिक करना है यूज स्नैपशॉट पे। साइज कितना लेना है, मैं 1 के लेता हूँ, 1024 टैब 1024। ठीक है, ये आपका पार्ट कहाँ पर चाहिए, जैसे मुझे अगर यहाँ पर चाहिए तो सपोज मैंने यहाँ पे कहा मुझे इस एड्रेस पर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल सी कर दिया मैंने यहाँ पे, देन कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैंने डाला शॉर्ट SWORT UV, ठीक है, और सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। फॉर्मेट JPG है, अप्लाई एंड क्लोज कर दो आप, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे चले आप, ये UV आ गया, ओपन विथ कर दो फोटोशॉप। अभी मुझे चाहिए क्या, देखो मैं आपको बहुत सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, आप मुझे इतने एरिया पे काम करना है, अगर मेरे पास ये इतना एरिया है, इतने एरिया पे मुझे काम करना है, तो मैं सिंपल सा पार्ट एक न्यू ले लूँगा। यहाँ पे कलर पिक करता हूँ, यहाँ पे पिकर है मेरे पास, यहाँ पे सबसे पहले डार्क टोन, डार्क टोन पिक किया मैंने यहाँ पे, एंड बी से लेकर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ओके, आप थोड़ा सा सॉफ्ट करके देख लो, ये आपको देखेगा आपके यहाँ पे ऑपेसिटी कितना है, मैं पहले फुल कर लेता हूँ। मुझे ये चीज़ ये कलर चाहिए क्या, यहाँ पे ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल एंड क्लिक किया यहाँ पे मैंने ये पार्ट, और यहाँ पे जाके मैंने, ठीक है, ये देखो मैं बस टोन कौन कौन सा, उन टोन्स को मुझे यहाँ पे पिक करना है। यहाँ पे आपके सिर्फ तीन टोन दिख जाएंगे, तीन टोन आपके पास आ गए यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे जो भी कोई काम करने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे इन्हीं चीज़ को लेकर पिक करके काम करना है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कोई भी काम करूँगा तो लाइक विद हेल्प ऑफ पेन टैबलेट मैं थोड़ा सा जल्दी से भी डील कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, अगर मुझे यहाँ पे कोई काम करना है, सबसे पहले प्रोसेस क्या है कि मैं यहाँ पर सिलेक्शन ले लूँ। यहाँ पे सिलेक्शन का बेनिफिट क्या मिलेगा, लाइक इस लेयर को सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे सिलेक्शन, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई इनवर्स सिलेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे, एक न्यू लेयर क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे कितने पे काम करना है, मैंने यहाँ पे क्या करना है, मुझे इतने पे मैं काम करना है, मैंने यहाँ पे कलर फिल कर दिया, मैं अभी फोकस कर रहा हूँ इस पर। इसके लिए मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, मुझे लाइक चाहिए डार्क टोन, मैं डार्क टोन पहले से भी कर लिया, अभी ये पार्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे पिक कर लिया, ये पार्ट आ गया। ओके, मुझे भी इस पर ही काम करना है, तो मैं इस पर थोड़ा सा फोकस करूँगा। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, एक रफली आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि भाई मुझे कैसे क्या काम करना है। बिफोर ब्रश, ब्रश लेना है आपको, ठीक है, ब्रश में आपको क्या करना है, चीज़ को मैनेज करना है, ऑपेसिटी एंड फ्लो दोनों का कम रखना है। ठीक है, कम रखोगे इसमें क्या होगा, एक दो बार गलती होगी तो भी हम लोग इसे कवर कर सकते हैं। अभी इन चीज़ को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, मैं आपको एक चीज़ और देता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स एक और देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी इस इमेज को लाइक मैं ऊपर ओपन कर लेता हूँ ACDC सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि मैं यहाँ पे दिखा सकूँ कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे देख के काम करने वाला हूँ। जूम कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, बस थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में तो था ना रेफरेंस लेके काम करना है, जो भी पहली बार जिसका टाइम हो, फर्स्ट टाइम जिसका होता है, उसके यहाँ पे पहली बार यहाँ पे देख के काम करना है। यहाँ पे देखो, तो अभी मैं यहाँ पे साइज को मैंने छोटा बड़ा किया यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे पिक करता हूँ, मेरे पास कलर है, ये पिक कर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैं बीच में अगर मैं कहूँ, ठीक है, तो मैं साइज को थोड़ा सा इस टाइप से मैं पेंट करता हूँ, कॉर्नर वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा रेंज देंगे, बीच में थोड़ा सा अपने आप आपका डेप्थ का पार्ट यहाँ पे देखने लगेगा कि कैसे हम लोग क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। ओके, यहाँ का पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, लाइक कॉर्नर्स वाइज तो आज मैं डील करूँगा। अभी यहाँ पे मैंने क्लिक किया मिड टोन, मिड टोन में यहाँ पे क्या है, लाइक मैं थोड़ा सा इधर से मैं थोड़ा सा नॉर्मली जूम करके देखना है। देखो डैप्ट भी आपका आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं चीज़ को लेकर चलूँगा, मेरे पास यहाँ पे क्या कौन सा कलर है, डार्क टोन है तो डार्क टोन मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, और देन साइज को छोटा करके मैंने जस्ट सिर्फ प्रेस करके ऐसे मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक ऐसा है, मेरे पास एक स्टेप से है, ठीक है, मेरे पास एक अभी किस टाइप से काइंड ऑफ, ठीक है, जो भी वो शेप है, मैं शेप्स को मैं वन वन करके मैं रफली ले सकता हूँ। ऐसा कुछ शेप मैंने दिया, ऐसे कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अभी ये चीज़ें आ गई यहाँ पे। अभी इन्हीं चीज़ों को मुझे और कैसे डिफाइन करना है, लाइक मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा, तो थोड़ा डार्क लेना है यहाँ पे, साइज मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, मैंने कुछ स्टेप से मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अभी मैं इनके कलर्स का मैं थोड़ा सा प्ले करता हूँ, थोड़ा सा इसके वैसे मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है, लाइक मिड टोन वाइज, ठीक है, ओके, तो मैं इनके साथ जब मैं प्ले करना स्टार्ट करूँगा मैं, तो बस कुछ डार्क एरिया है जिसे, ठीक है, थोड़ा सा डार्क एरिया मैं डार्क ऐसे करके भी मैं पेंट करना स्टार्ट करूँगा, हल्का बोलते हैं पेंट करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ये स्टेप्स में पेंट करना चाहूँगा। अब देखो धीमे धीमे चीज़ें ना आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि ये शेप में अगर मैं देखूँ आपके पास चाहिए,
अलग से दिखना स्टार्ट होगा, एक हल्का सा टाइप दिखना स्टार्ट होगा। अब इसमें क्या, इसमें डिटेलिंग में जाना है, जितना डिटेलिंग में जाओगे ना उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। एक रफली मैंने आपको यहाँ पे दिया कि भाई रफली हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, भाई डार्क है तो डार्क मैंने यहाँ पे डार्क पास मैंने यहाँ पर कल कर ये पार्ट डार्क डार्क कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ओके ये ऐसे मैंने डील कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बस लाइट है, लाइट पे यहाँ पर लाइट एंड डार्क हल्का सा चेंजेस दे रखा है अभी कि मैं हल्का सा मैं यहाँ पे चेंज करूँ यहाँ पे डाइन मैंने हल्का सा कुछ, देखो यहाँ पे पेंट टेबल से क्या थोड़ा सा आपको पेंट करने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा, देखो कैसे कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेन प्रेसर पे ज़्यादा काम करते हैं अभी यहाँ पर काम किया मैंने हल्का सा ये काइंड ऑफ, ठीक है थोड़ा सा रैंडमली आप ऐसे डील करोगे आप यहाँ पे तो चीज़ें निकल के आएंगी यहाँ पे, यहाँ पे किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और देन इस टाइप से मैंने जब मुझे साफ चाहिए वहाँ पर मैं साफ यहाँ पर करूँगा, ठीक है यहाँ पर मैं सेट कर दिया मुझे ऐसा कुछ चाहिए, और देन इस टाइप से मुझे यहाँ पर कुछ चाहिए तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे लाइक अभी यहाँ पे देखो यहाँ पर डार्क ज़्यादा है तो डार्क के लिए मैंने अभी क्या किया, वट आई वॉन्ट ऑपेसिटी मैंने कम किया, यहाँ पे ऑपेसिटी कम करने बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डार्क वाली चीज़ में डील करूँगा, ठीक है। कहीं कहीं पर मुझे ज़्यादा चाहिए मैं वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा हल्का सा पेंट करना स्टार्ट करूँगा, ओके ऐसा कुछ करके हम लोग मैनेज कर देंगे यहाँ पे। अभी क्या ये लेयर वाइज ज़्यादा काम किया, लेयर वाइज मैं यहाँ पे दूँ जैसे मैं अभी हल करके कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे, इन पार्ट्स को लेकर मैं ऐसे टॉक करूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे कहीं कहीं पे लाइक कुछ लाइनें हैं मैं ऐसे कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे, ठीक है कुछ कुछ पार्ट इस टाइप से है तो वो लाइक माइनर डिटेल्स को भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन करना है काइंड ऑफ, ठीक है। छोटे छोटे डिटेल्स को हम यहाँ पे एड ऑन करते हैं अभी कि कैसे किसी चीज़ को मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक काइंड ऑफ ऐसे कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे तो चीज़ यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगी वही कैसे मेरे पास पार्ट है, लाइक काइंड ऑफ अभी मुझे थोड़ा सा डार्क दिखाना है तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे ये डार्क किया मैंने अभी, हाँ बिल्कुल इसका भी रेंडर निकलेगा। देन इसका हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे लाइट का डायरेक्शन भी दे देंगे यहाँ पे नीचे की तरफ लाइट होगा तो की तरफ डार्क है तो लाइट के डायरेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा क्लिक करते हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है यहाँ पर लाइट का डायरेक्शन मैंने दिखाया तो मैंने यहाँ पे इनको लिए जगह में किसी छोटे से पॉइंट में अगर जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है देखो यहाँ पे साइज छोटा किया मैंने यहाँ पे यहाँ देखो तो यहाँ पर मैं कोई पेंट कर रहा है ऑपेसिटी मैंने आपको लाइक बहुत ही कम करके दिखा रखा है अभी बहुत ही कम है, ठीक है। और ऑपेसिटी को मैं थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगर कोई चीज़ अगर मैं यूज़ करता हूँ लाइक ऑल डन क्लिक किया मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया यहाँ पे देखो डार्क, ठीक है डार्क में डेप्थ देने के लिए यहाँ पे क्या करना है इसको क्लिक किया यहाँ पे हल्का सा साइज छोटा करके बॉर्डर को ड्रॉ करो आप यहाँ पे, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे मुझे डार्क पेंट करना है तो डार्क के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ अभी कलर टोन वाइज मैं आपको थोड़ा सा लाइक इधर इधर थोड़ा सा मैं पेंट कर सकता हूँ, ठीक है। नॉर्मली डील करना स्टार्ट करूँगा अभी इधर से करके अभी इन्हीं चीज़ को मैंने जस्ट थ्री कलर मैंने बेसिक से आइडिया दिया कि भाई शेप मैं यहाँ पे कैसे डेप्थ दे सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से कुछ मैं आइडिया, ठीक है। जब यहाँ देखो यहाँ पे मल्टी लेयर पे काम किया गया मैं आपको मल्टी लेयर पे आपको चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे क्या काम किया यहाँ देखो ये पार्ट है यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे अलग अलग चीज़ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया हुआ देखो कुछ कुछ जगह पे बहुत इफेक्ट है यहाँ देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। धनिया देखो आप कुछ इम्पैक्ट देखा यहाँ पे तो बाद में हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को मैंने मैनेज कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये लेयर वाइज चीज़ हम लोग ऐसे भी ऐड ऑन करते हैं कि भाई मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो किस किस चीज़ पर मैं कोई भी ऐड ऑन कर रहा हूँ देखो अलग अलग लेयर पर भी मैंने तो और तो चीज़ पर मैंने काम कर लिया तो साइड वाले पार्ट पर भी है। अभी इनके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है ये चीज़ हमें सब कुछ मैनेज करके काम करना होता है कि किस टाइप से डिटेल लेंगे देन इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ देखो ये तो और हम लोग यहाँ पे कैसे डिटेल वाइज डील कर रहे हैं जी ऑफ करके देखा तो कैसे लाइक कलर वाइज मैनेज किया हुआ है।